एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं कोमल और आप देख रहे हैं मेरा चैनल चीकू मम लाइफस्टाइल। ये है चीकू और मैं हूं इसके मम और हम अपनी लाइफस्टाइल दिखाते हैं ना चीकू। तो आज मैं सीधा वीडियो बना रही हूं, तीन दिन बाद, मतलब मैंने सैटरडे संडे और मंडे कोई वीडियो नहीं बनाया क्योंकि मेरी और चीकू की, हम दोनों की तबीयत थोड़ी सी खराब थी, बट अभी हम दोनों अच्छा फील कर रहे हैं, मतलब हम ठीक हैं। तो आज का जो व्लॉग है मैं ये शाम के टाइम शुरू कर रही हूँ, अभी बज रहे हैं 5 और अभी 10 मिनट पहले मैंने अपने दूसरे चैनल के लिए भी एक वीडियो शूट किया था। तो मैंने बनाई थी ये आलू कतली जो कि खाने में बहुत टेस्टी है। बाहर हो रही है बारिश, ऐसे मौसम में आप ऐसे आलू कतली बना के और चाय के साथ इसे खा सकते हैं, पर हम चाय नहीं बना सकते। आज सुबह हमारा दूध नहीं आया और जब हम शॉप पे लेने गई तो वहाँ पे, आज यहाँ पे प्रॉपर तरीके से लॉकडाउन है तो कोई शॉप खुली हुई नहीं थी। ये 2-3 मैंने चीकू के लिए रखे थे जो बिना नमक, मतलब नमक है पर मिर्च नहीं है। तो इसकी जो क्लिप है ये मैंने कैसे बनाया है ये मैं थोड़ी सी वीडियो में एड कर दूंगी बीच में, तो आप लोग भी खा लीजिए। खाने में ये बहुत ही ज्यादा टेस्टी है। इसमें से कुछ मैं इसके पापा के लिए रख दूंगी, कुछ हम अभी खा लेंगे और ये चीकू अपने चीकू खा लेगा। तो चलिए पहले खा लेते हैं और फिर करते हैं बातें और बाहर दिखाती हूँ, बाहर हो रही है बारिश। चीकू हाय कर दो, नमस्ते कर दो, नमस्ते नमस्ते। तो ये हमने अपने लिए ले ली है ये चीकू की, ये मेरी, चले बाय कर दो, बाय। और ये देखिए बस जस्ट अभी बारिश रुकी भी नहीं है, हल्की हल्की आ रही है, काफी तेज बारिश आई है अभी यहाँ पर। मैंने यहाँ पर लिए हैं 3 आलू जिनको मैंने छील लिया है और धो लिया है। अब मैं इनको गोल गोल काट लूँगी। आलू की जो थिकनेस है वो आप अपने अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं कि आपको कितने मोटे रखने हैं या कितने पतले रखने हैं। यहाँ पे मैंने ले ली है 3 चम्मच मैदा, इसके अंदर मैं डालूंगी थोड़ी सी काली मिर्च और थोड़ा सा नमक, इसको थोड़ा सा टेस्ट देने के लिए। और इसके अंदर पानी डालकर मैं एक पतला घोल तैयार कर लूँगी, बहुत ज़्यादा पतला भी नहीं और बहुत ज़्यादा गाढ़ा भी नहीं, मतलब जैसे पकौड़े होते हैं ना उनसे तो थोड़ा सा पतला घोल होना चाहिए। तो उसका घोल मैं रेडी कर लूँगी ताकि जो हमारे आलू कतली है वो बहुत ज़्यादा क्रिस्पी बने। तो अब इसके अंदर मैं एक एक आलू डिप करूँगी, उसके ऊपर पतली सी लेयर आ जाएगी मैदा की, तो इसे मैं फ्राई कर लूँगी ताकि हमारे आलू सुपर डुपर क्रिस्पी बने। इसी तरीके से मैं सारे जो आलू हैं उनको एक एक करके फ्राई कर लूँगी, जितने कि एक बार में कढ़ाई के अंदर आ जाएंगे और 1 मिनट या 2 मिनट में ही ये फ्राई होकर रेडी हो जाएंगे। तो ये हल्के हल्के ना आपस में चिपक जाएंगे, तो आप इनको करछी की हेल्प से इजीली अलग कर सकते हो। और जब इन पर इस तरीके का गोल्डन ब्राउन कलर आ जाए, बहुत ज़्यादा हमें नहीं गोल्डन करना है, बस हल्का सा गोल्डन कलर आ जाए तो इन्हें निकाल लेंगे हम। और इसी तरीके से सारे आलू जो है हम फ्राई कर लेंगे। ये देखिए मैंने अपने सारे आलू को फ्राई कर लिया है। अब उसी कढ़ाई में जिसमें कि हमने आलू फ्राई किए थे उसमें से मैंने सारा ऑयल निकाल दिया है और थोड़ा सा ऑयल रख लिया है जिसमें मैं डालूंगी राई के दाने और साथ में जीरा। जब ये दोनों चीज़ें अच्छे से फ्राई हो जाएंगी तो हमें इसमें कोई प्याज या लहसुन का यूज़ नहीं करना है, सिर्फ तड़के में यही डालना है। जब ये फ्राई हो जाएंगी तो मैं इसके अंदर डालूंगी हल्दी कलर के लिए। हल्दी थोड़ी सी भुन जाए ताकि उसका कच्चापन निकल जाए, उसके बाद जो हमने आलू फ्राई करके रखे थे वो हम इसके अंदर डाल देंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे कि हमारे हर एक आलू कतली के ऊपर हल्दी का जो है कलर आ जाए। उसके बाद मैं इसके अंदर डालूंगी लगभग 2 चम्मच के हिसाब से टमाटो केचप। आप इसके अंदर चिली सॉस भी डाल सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, कि अगर आपको ज़्यादा तीखा रखना है तो आप चिली सॉस डाल लीजिए। तो उसको भी हमने कर लिया है मिक्स। अब मैं इसके अंदर डालूंगी 1/2 पाउच मैगी मसाला का, और इसके अंदर किसी मसाले की ज़रूरत नहीं है। इस मसाले से बहुत ज़्यादा सुपर डुपर अच्छा टेस्ट आएगा, बहुत टैंगी सा है ये, स्पाइसी सा है, मतलब इसके आगे आपको किसी और मसाले को डालने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। तो अब हम इनको कर लेंगे अच्छे से मिक्स और हमारी जो आलू कतली है वो बनकर हो गई है रेडी। बारिश के मौसम में आप इसको खाइए और इसका मज़ा लीजिए। क्या ऊपर पत्ता धोंगी, कहाँ बिठाऊ आपको, काम नहीं करूँ बेटा मैं, नहीं करूँ, आप कर दोगे, आप कर दोगे काम, है कर दोगे काम,
काम नहीं करूं? काम नहीं करूं क्या? फिर कौन करेगा? आप ये करेगी? ये भी मैं ही हूँ बेटा, दो दो मम्मी नहीं है तेरी। मैं बर्तन धो लेती हूँ। होम टूर के लिए बोला है, देखिए मैं खुद होम टूर कराना चाहती हूँ, पर कुछ दिक्कतें हैं, कुछ ऐसी चीजें हैं कि जिन वजह से मैं नहीं करवा पा रही हूँ होम टूर। पता है आप, जैसे कि मुझे ना बहुत गंदा लगता है जब मुझे कोई, मतलब वैसे मुझे बहुत अच्छा लगता है कि आप लोग मुझे होम टूर के लिए बोल रहे हो या मुझे बता रहे हो कि मुझे क्या करवाना चाहिए, बहुत अच्छा लगता है। आप लोगों के कमेंट पढ़ के मुझे बहुत ज्यादा खुशी मिलती है, पर मैं करवा नहीं पा रही हूँ उस चीज को। जैसे मैंने अभी बोला था कि मैं लास्ट वीक के एंड में मैं होम टूर करा दूंगी, पर मैंने नहीं कराया। पता है मैं खुद भी करवाना चाहती हूँ, पर मैं क्या करूँ, मतलब मुझे बहुत गंदा लग रहा है। तो मुझे लगा कि मुझे ना ये वीडियो बनानी चाहिए, मुझे आप लोगों को बताना चाहिए कि मैं होम टूर क्यों नहीं करवा रही हूँ। देखिए मैं एक रेंटल अपार्टमेंट में रहती हूँ, ठीक है। इस घर में ना कुछ काम होना बाकी है, जैसे कि एक जो मकान मालिक है उन्होंने जो हमें वो दे रखी है, अलमीरा दे रखी है, मतलब जो दीवार में फिट करवा रखी है, उसकी एक कबर्ड जो है, एक हिस्सा जो है वो टूटा हुआ है। तो उसके लिए मैं बहुत बार बोल चुकी हूँ, बहुत बार कि उसे ठीक करा दो, उसे ठीक करा दो, उसे ठीक करा दो, पर वो ठीक नहीं करा रहे हैं। जिस वजह से ना मैं चाह रही हूँ कि जब मैं होम टूर कराऊं तो मैं एक प्रॉपर तरीके का होम टूर कराऊं, ऐसा नहीं कि टूटा फूटा सा होम टूर कराऊं, अच्छा सा होम टूर कराना चाहती हूँ। इसलिए मैं रोज 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 उस चीज को डिले कर रही हूँ। मेरे इसी चैनल पर नहीं, जो मेरा मेन चैनल है कोमल की रेसिपी, उस पर भी मैंने 7 से 8 दिन ब्लॉगिंग की थी। उस पर भी मुझे बहुत लोगों ने बोला कि ब्लॉग, मतलब होम टूर कराओ, होम टूर कराओ, पर मैं नहीं करवा पा रही हूँ। किचन टूर मैंने करवा दी थी, क्योंकि मुझे किचन टूर में काम करवाना था। जो मैंने, अगर आप लोगों ने मेरा किचन टूर नहीं देखा है तो मैं वीडियो के नीचे लिंक दे दूंगी, ब्लॉग के नीचे आप जाके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक कर सकते हैं। इसमें भी मैं किचन टूर इसलिए नहीं करवाते, इसमें स्लैब नहीं थी, तो जो स्लैब है वो मैंने खुद से कस्टमाइज करवाई थी। दोनों स्लैब इसमें वुड की है वो दोनों, तो मैंने इस वो होने के बाद मैंने आपको किचन टूर दे दिया था, बट अब उसमें वो काम होना बाकी है। जैसे ही वो हो जाएगा मैं आप लोगों को होम टूर दे दूंगी, या फिर अगर आप मुझे कमेंट करते हैं कि ठीक है जो है जैसा है आप हमें होम टूर करा दीजिए, तो मैं करा दूंगी। बट मुझे थोड़ा सा अच्छा नहीं लगेगा कि इस तरीके से टूटा फूटा सा मैं होम टूर कराऊं, और इसमें जो हमारा लिविंग रूम टाइप में जो है यहाँ पे कर्टन लगे हुए हैं, अंदर रूम के अंदर कर्टन नहीं लगे हुए हैं। ये भी मतलब जब हम कर्टन लगवा रहे थे तो जो ये हुक थे ये टूट गए थे हुक, तो वो अभी तक आए नहीं है लॉकडाउन की वजह से, इनको टाइम नहीं मिलता है लाने का, या फिर संडे वाले दिन टाइम होता है उस दिन बाजार बंद होता है, 11 बजे के बाद मार्केट बंद हो जाता है। तो कुछ हालात और कुछ माहौल, कुछ सर्कमस्टांसेस ऐसे हो रहे हैं कि हम उस चीज को नहीं करवा पा रहे हैं। तो अभी कर्टन लगने बाकी है, कबर्ड का ठीक होना बाकी। कर्टन की तो बहुत बड़ी बात नहीं है, कोई बात नहीं, वो नहीं लगेंगे तो भी मैं करवा दूंगी होम टूर। चीकू यहाँ आओ, आप पीछे से मत छेड़ो, वो ट्राइपॉड छेड़ रहा है पीछे से, यहाँ आओ, नहीं आ रहे। जय कर दो, जय। तो मैं ना बहुत 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 जल्द आप लोगों को होम टूर कराऊंगी, जैसे ही सारा काम पूरा हो जाएगा। हाँ टीथ दिखा दो, अपने टीथ दिखाओ, ऐसे यहाँ बैठ के दिखाओ, टीथ दिखा दो, टंग दिखाओ, शो मी योर टंग, वाओ, नोज, वेयर्स योर, नहीं नोज ही है, वेयर्स योर नोज, आई, अच्छा मम्मा का राजा बेटा कहाँ है? ये मम्मा का राजा बेटा, अच्छा ये राजा बेटा है, राजा बेटा नहीं है ये।
और कुछ ना, अभी 2-3 दिन से तबियत भी खराब थी तो मेरी इतनी हिम्मत भी नहीं कि मैं उन्हें फोन करके बोलूं कि करवा दो करवा दो। अब आज मैंने फोन किया है, उन्होंने कहा है कि 2 दिन के अंदर अंदर मैं करवा दूंगा, तो अभी वेट ही कर सकते हैं हम तो कि 2 दिन में होगा या वो 4 दिन में होगा या वो 2 महीने में होगा। पर मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगी जल्दी से जल्दी करवाऊं। और देखो इसकी शैतानी, ये पैरों से ट्राईपोर्ट दूर कर रहा है, कितना बदमाश है ये। चीकू चीकू आपकी ढोली कहाँ है? ढोली वेयर योर ढोली? ये ढोली प्यार कर दो सबको, प्यार कर दो, सब कुछ करना भूल गए हैं। हाँ जय कर दो, हाथ जोड़ जय टाटा कर दो बाप। तो चलिए अब इस वीडियो का करती हूँ मैं यहीं पर एंड, और आज का ब्लॉग बस इतना ही क्योंकि मेरी तबीयत थोड़ी सी ठीक नहीं है कि मैं व्लॉगिंग करूं आगे। अभी मुझे बहुत सारे काम है, रात का खाना बनाना है, तो व्लॉग के साथ मैं खाना नहीं बना पाऊंगी क्योंकि जैसे हम 1 घंटा लगता है ना हमें जिस काम में, व्लॉगिंग के साथ हमें उस काम में 2 घंटे लग जाते हैं। चीकू नहीं नहीं बेटा, देखो मंदिर की घंटी छेड़ रहा है। चीकू नहीं, नो आओ इधर आओ, रख दो उसको, इधर आओ आप। इधर आओ आप, क्यों ना क्यों ये इसको ना पूरे उसमें घसीट रहा है, आवाज नहीं आएगी। तो चलिए करते हैं इस वीडियो का यहीं पर एंड, कल मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ और एक नए ब्लॉग के साथ। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, आपके लिए हेल्पफुल हो, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साइड में जो बेल आइकन है उसको दबाना बिल्कुल भी ना भूले ताकि मेरे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच सके। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।